तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को देखना होगा बिल्कुल लास्ट समय तक, ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके उत्तर दोस्तों आपको समझ में आ सके। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा का दोस्तों संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में से आपसे पूछे जाएंगे और किस आधार पर दोस्तों इसकी तैयारी को आपको कर लेना है। देखिएगा, इसके लिए आप सभी को इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक देखना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा का दोस्तों संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपका किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और किस आधार पर आपको इसकी तैयारी को कर लेना है। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल लास्ट समय तक देखना होगा, तभी जाके दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और किस आधार पर आपको इसकी तैयारी को कर लेना है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, कक्षा 10वीं का जो संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल दोस्तों आपका इसी प्रकार का आएगा जैसा कि दोस्तों हम यहाँ से इसको देख रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों परीक्षाओं में किस प्रकार का बनकर आया है और कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा आपका संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन लिखा है, हिम प्लस आले इतस्य पदस्य संधि अस्ति। हिम प्लस आले में कौन सी संधि दोस्तों? तो देखिएगा दोस्तों, ये आपकी आ जाएगी हिमालय। उसी के अलावा अगला, सूर्य प्लस उदय इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। सूर्य और उदय में कौन सी संधि है दोस्तों? तो यहाँ से आपको लिख लेना सूर्योदय। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पितृ प्लस गृह इतस्य पदस्य संधि अस्ति। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपकी आ जाएगी पितृगृह। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ से। देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा दोस्तों आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा, मगर दोस्तों इसको पूरा समझने के लिए आपको पूरा लास्ट समय तक देखना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके उत्तर दोस्तों आपको समझ में आ पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, घ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिएगा दोस्तों घ नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बा नंबर का हो जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, आठ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिएगा दोस्तों इसमें से आपको लिख लेना समलंब। उसी के अलावा दोस्तों चार नंबर का क्वेश्चन लिखा है, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपको लिख लेना माता पिता चा, यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसी के अलावा दोस्तों छः नंबर का क्वेश्चन लिखा है उस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ से, उचित विकल्पम चित्वा लिखा, तो यहाँ से दोस्तों आपको इनका मिलान कर लेना। पहला क्वेश्चन लिखा है, पठित्वा इत्यस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। देखिएगा दोस्तों, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना कत्वा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, तुमन प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो देखिएगा दोस्तों, तुमन प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका हसितुम। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, अनियर प्रत्यय पदम अस्ति। देखिएगा घ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहाँ से आपसे ये देख लेना, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों करणीयम। उसी के अलावा घ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा इसमें से आपको लिख लेना टाप। इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा दोस्तों? टाप आ जाएगा। अणा नंबर का क्वेश्चन, अत्र जीवनम कीदृशम जातम। देखिएगा अणा नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया दोस्तों, इसमें से आपको लिख लेना है क्या? दुर्वहम। उसी के अलावा सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बुद्धि आ जाएगा। छः नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? व्यायाम आ जाएगा। और उसी के अलावा आगे दिया गया है, देखिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। क्वेश्चन नंबर तीन पूछा गया है, तो देखिएगा वमनम इतिहास पदय पर्यम अस्ति। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आपका पेपर जल्दी से दिख सके इसलिए दोस्तों मैं अब
पढ़ के नहीं दोस्तों, आपको वैसे चिन्ह लगा के बताता चल रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों, ख नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, कुटिलम, तो इसका वक्रम आ जाएगा। और उसी के अलावा सलिलम का दोस्तों इसमें से जलम आ जाएगा। और उसी के अलावा दूषितम का दोस्तों यहाँ से आपको शुद्धम कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों आगे आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, देखिएगा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा गया है, देखिएगा क्या लिखा है, दानवाय इतस्य पदस्य विलोम अस्ति। दानवाय का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, मानवाय हो जाएगा। बुद्धिमती भारिया अन्यो पद्यो विशेषणम बहुति। देखिएगा दोस्तों इसमें से आपको लिख लेना बुद्धिमती। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार आप लोग देख सकते हो, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ से दोस्तों आपको उचित विकल्पों को लिखना है। सात नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ये आपका सही हो जाएगा। और क नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, इसका आपका आ नंबर का सही हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों जो गा नंबर का क्वेश्चन लिखा है, इसका दोस्तों आपका बा नंबर का ये वाला सही हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों जो घा नंबर का क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बा नंबर का आ जाएगा। इसका बा लगा लेना आपको, और इसके बाद में अणा का दोस्तों आपको आ लगा लेना है। इसी के अलावा दोस्तों चार नंबर का भी आपका आ वाला आ जाएगा। आप लोग यहाँ से इस प्रकार से नोट कर लें। और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर पाँच में उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यहाँ से दोस्तों आपसे उचित विकल्प पूछे जाएंगे। पहले नंबर का दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, तो देखिएगा इसका आपको लिख लेना सदा। उसी के अलावा ख नंबर का क्वेश्चन लिखा है, इसमें से आपको लिख लेना दोस्तों अनु। यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, अनु। उसी के अलावा दोस्तों गा के बाद में घा नंबर का लिखा है, इसमें से दोस्तों आपको क्या लिख लेना, सर्वदा। उसी के अलावा दोस्तों आणा नंबर का क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा यदा। उसी के अलावा दोस्तों चार नंबर का क्वेश्चन लिखा है, इसमें दोस्तों आपको लिख लेना सुकम। उसी के अलावा दोस्तों आगे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक वाक्य लिखा। तो देखिएगा दोस्तों इनके उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देखें और इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से ज़रूर कर लें। देखिएगा दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी से, आप लोग यहाँ से इनका रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हो, योगो मेलनम कुरुत। यहाँ से दोस्तों आपसे जोड़ी का मिलान पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों जोड़ी का मिलान आपको कैसे कर लेना, फर्स्ट नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा और सेकंड नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका इससे हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों थर्ड नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपको इससे कर लेना है और इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेंगे। और आगे दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसका रिवीजन कर लेंगे। और आगे देखा जाए तो दोस्तों देखिएगा आगे ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का बनकर आएगा, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और आगे के कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे, आप सभी लोग दोस्तों यहां से इसको देख लें और नोट कर लें। देखिएगा दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें दोस्तों टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों मैंने यहां से आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ए टू जेड पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया है। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।